फिर से आए हैं फिल्ला क्रेज करके पॉकेट सिक्सेस के साथ अपने, वो हर बार जेन्युइन हैंड के साथ ही आए हैं अब तक इस एपिसोड में। बाकी लोग थोड़ा उनके साथ बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर तक कर पाते हैं ये। ओहो हो, एक्शन फ्लॉप आ गया है, ज़्यादा एक्शन नहीं बट अगर टर्न पे सात या एस आता है तो डैनियल निग्रानू काफ़ी ज़्यादा बुरी शेप में पाए जाएंगे। अभी फ़िलहाल टॉप पे है, यहाँ पे तो नहीं बच सकते बट आगे जाके इतनी वैल्यू नहीं देंगे, इतने समझदार ये भी हैं। देखते हैं आगे क्या आता है, सात या एस आया तो फिल लाख के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी और डैनियल निग्रानू के लिए बहुत ही बुरी। डैनियल निग्रानू ने टेबल पे पूरी टेबल पे पैसे फेंक दिए, मैटिसाव बोल रहे हैं मेरे हुए मेरे पास आ गए तो। उम्र हो गई है इनकी बट छोटे मजाक अब भी चल रहे हैं इनके। चलिए देखते हैं फिल लॉक कैसे जवाब देंगे। डैनियल निग्रानू ने रेस कर दिया इन्हें और वो स्मूथ कॉल करते हुए अपने सिक्सेस के सेट के साथ। ये हमने सोचा नहीं था, ये भी एक ऐसा कार्ड है जिस पे डैनियल निग्रानू से बचा जाना मुश्किल है। डैनियल निग्रानू के पास एडिशनल आउट्स आ गए हैं, इक्विटी आ गई है ओपन एंडर के साथ, टॉप पेर और ओपन एंडर, बट उन्हें पता नहीं हो कितने बुरे शेप में फिल लॉक के अगेंस्ट। ऑलरेडी $50,000 का पॉट हो गया है लगभग। रिवर ब्रिक लगता है डैनियल निग्रानू यहाँ पे पैसे बचा भी नहीं पाएंगे, सेट भी यहाँ पे पेमेंट देनी ही पड़ेगी। स्पेड्स भी मिस हो गए हैं, सिर्फ एक स्ट्रेट कंप्लीट हुई है और फिल लॉक ने कर दिया काफ़ी बड़ी बैट। $92,900 ऑलरेडी पॉट के अंदर है और डैनियल निग्रानू पे डिसीजन है। देखिए आने वाली है और वो क्राइंग कॉल करते हुए और वो देखेंगे बुरी खबर, फिल लॉक लेके जाते हुए ये $1,37,300 का पॉट, लगभग 1,40,00,000 रुपए इसी पर्टिकुलर हैंड में वो जीते हैं। देखिए डैनियल निग्रानू को भी समझ आ रहा है कि इस हैंड में काफ़ी बढ़िया खेल गए फिल लॉक। और ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे पोकर टीवी को देखते रहिए, विच इज पावर्ड बाय पोकरबाजी। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्ले रिस्पॉन्सिबली।